हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की डेट शीट अनाउंस कर दी है और ये सभी कोर्सेज के लिए, चाहे आपका मेन है, चाहे आपका बैक है या इम्प्रूवमेंट आपने फिल किया था फॉर्म, सभी के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। इससे पहले हमने बीए के जो बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी कोर्सेज हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, उनकी डेट शीट हमने अपलोड की थी। अब जो लेकर आए हैं ईयरली वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें ईयरली वाले में इन्होंने कहा है कि बैचलर प्रोग्राम, एक तो बैचलर प्रोग्राम एनईपी के अकॉर्डिंग है और एक बैचलर प्रोग्राम जो है आपका विदाउट एनईपी है, यानी कि जो पुराना कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम ईयरली सेमेस्टर मेन बैक इम्प्रूवमेंट। अगर किसी स्टूडेंट्स का बैचलर में सेमेस्टर है तो वो भी फिल कर सकता है या फिर वो भी इसको देख सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये जो डेट शीट जारी की है, जुलाई अगस्त, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने हैं वह जुलाई में शुरू होने हैं और शिफ्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। 3 शिफ्ट में पेपर होना है। फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी चलनी है वह चलनी है 9 से 11 और सेकेंड शिफ्ट जो चलनी है वह चलनी है 12 से 2 और जो थर्ड शिफ्ट चलेगी आपकी वह चलेगी 3 से 5। तो इस प्रकार से आपकी ये शिफ्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 19 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने हैं। 19 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होना है बीसी, बीएसएल 301 और बीसीएम 201, बीएसएल 201, फिर यहाँ पर बीसीएम 101, बीएसएल 101 और बीएलआईसी 101। जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जब चाहे आपने फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे आप जस्ट सेकंड ईयर के हैं, चाहे आप थर्ड ईयर के हैं, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होना है वह थर्ड ईयर का होना है, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा वो सेकंड ईयर का होगा और जो थर्ड शिफ्ट में पेपर होगा वह फर्स्ट ईयर का होगा। इस प्रकार से तीनों शिफ्ट में अलग अलग यहाँ पर पेपर होने हैं। कंटिन्यू यहाँ पर एग्ज़ाम है आपके, कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक है। बस जो आपका ब्रेक जाएगा वह जाएगा 28 से 4 तारीख तक। ये 28 से 4 तक जो ब्रेक जाना है, ये कांवड़ यात्रा जो शुरू होगी उसकी वजह से जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है जब वो एग्ज़ाम देने आते हैं। तो इस वजह से जो यूनिवर्सिटी ने आपकी सहूलियत के लिए ये बीच में ब्रेक डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपका पेपर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ईयरली जो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमने प्रीवियस पेपर भी अपलोड किए हुए हैं और जो है बाई बुक भी हमने प्रिपरेशन करा रखी है। तो आप अपनी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, हिंदी मिरर चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देखेगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ईयरली फर्स्ट ईयर भी है और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की बनी हुई है। और जितने भी स्टूडेंट्स ईयरली वाले हैं, श्रीदेश सुमन की जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर वाली भी, सेकंड ईयर वाली भी और थर्ड ईयर वाली भी। अब इसके बाद जो है एनईपी के अकॉर्डिंग आ चुका है, लेकिन बहुत सा सिलेबस आपका मैच करता है एनईपी के अकॉर्डिंग भी, उन प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर लेना, हो सकता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वहाँ पर मटेरियल अपलोड हो, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए लास्ट पेपर देख लेते हैं आपका कब तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं FHVA ये वाला जो पेपर है, ये मैंने जो आपका पेपर है अपलोड करके डाला हुआ है 2 से 3 साल तक का। FCSL भी है, FCS भी है और FES भी है, ये 2 से 3 साल का अपलोड है। इसमें आप चेक करिएगा, ये जो आपका पेपर आता है MCQ बेस आता है और इसके MCQ मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। और यहाँ आगे के जो पेपर है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं,
तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं, और आपके शेयर करने से ये जो डेट शीट है उसी स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है, जो स्टूडेंट्स भी आपकी तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।